आज हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग टू मिस आज हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग टू मिक्सिंग के बारे में। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जब हम कोई भी दो चीजों को, दो या दो से अधिक चीजों को मिलाने जा रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो हमको दो या दो से अधिक चीजों को मिलाने में हेल्प करती हैं, बोले तो मिक्सिंग कराने में हेल्प करती हैं, और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमको दिक्कत करेंगी मिक्सिंग करने में। तो ये चीज को जानना बहुत जरूरी है। क्यों, क्या जरूरत है पढ़ने का, इसको नहीं पढ़ेंगे तो क्या फायदा, कोई दिक्कत। देखो, नहीं पढ़ोगे, मान लो आप कभी दवाई बनाने के लिए इंडस्ट्री में गए और दो चीजों को गए मिलाने, बैठे दो चीजों को मिलाने के लिए, जैसे दो चीजों को आपस में मिलाने आप जाओगे, पता चला दोनों चीजें नहीं मिल रही है। अब क्यों नहीं मिल रही है, क्या कारण है, अब आप इसको पढ़ ही नहीं रहोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि क्यों नहीं मिल रही, किस किस चीजों पे मिक्सिंग हमारा डिपेंड करता है। मतलब जब दो चीजों को मिलाएं तो उससे पहले ये सब चीजों को चेक कर ले, सब चीजें हैं तो ठीक, नहीं है तो भैया इसको मेंटेन करें। मतलब कि हमारा जो दो चीजें मिल रही हैं तब तो भैया ठीक है, नहीं मिल रही है तो क्या क्या चीजें, कौन कौन सी क्या दिक्कतें हो रही हैं ऐसा कि जिसकी वजह से दो चीजें आपस में मिल नहीं रही हैं। आप अगर पढ़े रहोगे तब तो आपको वहां पे दिमाग में आएगा तो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, कैसे करता है, आपको हम समझाते हैं। तो देखो, मिक्सिंग हमारा कुल और तीन चार चीजों पर डिपेंड करता है, पांच चीजों पर डिपेंड करता है। कौन कौन सी चीजें हैं, देखो सबसे पहला नाम है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नेचर कैसा है। मतलब जिसको, जब हम दो चीजों को आपस में मिला रहे हैं तो उन दोनों का नेचर कैसा है। मान लो ये हम दो लिक्विड हैं, दोनों लिक्विड को मिला रहे हैं, दोनों अलग अलग नेचर के हैं, एक पोलर नेचर का है एक नॉन पोलर नेचर का है। तो दो चीजों को जब आपस में मिलाएंगे तो भैया हमारा दो अपोजिट नेचर वाले को मिलाएंगे, जैसे तेल और पानी, ठीक है, तेल और पानी कोई मल्सन बनाया जा रहे हैं, ऑयल एंड वाटर लिया हमने, दोनों को मिला रहे हैं, मिलेंगे ही नहीं क्योंकि दोनों कैसे हैं, एक नॉन पोलर है, ऑयल क्या है नॉन पोलर है और हमारा वाटर क्या है पोलर है, दोनों अपोजिट नेचर के हैं, ठीक है, दोनों अपोजिट नेचर के हैं, दोनों आपस में मिलेंगे नहीं। तो याद रखना है कि जब कोई भी चीज, दो चीजें आपस में तभी मिलती है जब दोनों सेम नेचर के होते हैं, ठीक है। पोलर वाला पोलर के साथ ही अच्छे से मिलेगा, जल्दी मिल जाएगा। अगर दो चीजें आपस में नहीं मिल रही है तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट है उसका नेचर कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खासकर इमल्शन बनाने में ज्यादा, ठीक है। सेकंड देखते हैं पार्टिकल शेप, पार्टिकल का शेप कैसा है, शेप का मतलब आकार, ठीक है, शेप का मतलब होता है आकृति, उसकी आकृति कैसी है, साइज का मतलब होता है आकार, शेप का मतलब आकृति, आकृति का मतलब कैसा है, टेढ़ा है लंगड़ा है कैसा है। मतलब मान लो जैसे पार्टिकल का शेप, मान लो अलग अलग शेप के हैं, कुछ मान लो ऐसे एक ऐसे शेप का है और कुछ मान लो ऐसे शेप का है, अलग अलग शेप के हमारे पार्टिकल्स पर दो चीजें जिसको मिला रहे हैं, एक इस शेप का है एक इस शेप का है। तो अगर अलग अलग शेप के होंगे तो अलग अलग शेप से होने से दिक्कत क्या होता है, कभी कभी जब दो चीजों का आपस मिला रहे तो ये वाला पार्टिकल इसके अंदर फंस सकता है, ये जो हमारा इतना पार्ट है इसके अंदर फंस जाएगा तो मिक्स अच्छे से नहीं होता, मिक्स कराने में दिक्कत होती है, ठीक है, हमें क्या होगा, मिक्स कराने में दिक्कत होगी। इसलिए जब हम पार्टिकल का शेप उसमें देखो कि सारे के सारे पार्टिकल का जो शेप है वो एक समान होना चाहिए, जैसे सब मान लो सबके सब गोला ही हो, सबके सब सब गोला हो, तो सब गोले होंगे तो मिक्स अच्छे से हो जाएगा हमारा, ठीक है। मतलब कि एक समान पार्टिकल जो यूनिफॉर्म, अगर सारे पार्टिकल का जो शेप है वो एक समान होगा, सारे पार्टिकल अगर शेप एक समान होगा तो हमारा जो मिक्सिंग होगा बहुत ही अच्छा होगा। अगर अलग अलग इररेगुलर शेप के होंगे, कोनो टेढ़ा होंगे कोनो ऐसे होंगे कोनो ऐसे, सब आपस में फंस जाएंगे तो अच्छे से मिक्सिंग नहीं होती हमारी, ये दिक्कतें होती है, इस चीज का भी ध्यान आपको रखना है। ऐसा नहीं कोनो चुखिला है ऐसे नुकीला से निकले हुए हैं तो कोनो गोले से हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए वो पार्टिकल, ठीक है, ऐसे रहेंगे तो भैया आपकी मिक्सिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। देखो ये सब फैक्टर है, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी, ठीक है, जब बनाओ दवाई तो इस चीज को ध्यान रखना आप चीज को, ठीक है। थर्ड देखते हैं पार्टिकल साइज, पार्टिकल का साइज कैसा है, साइज का मतलब आकार, कितना बड़ा है, बड़ा है या छोटा छोटा है। तो देखो अगर पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तो आपको मिक्सिंग करने में दिक्कत होगी, ठीक है, मिक्सिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। जब पार्टिकल का साइज छोटा छोटा हो जाता है, आप बताओ अगर नमक का बड़ा बड़ा ढोका इतना बड़ा ले ले उसको मिलाए, ठीक है, उसको मिलाए, चीनी के इतने बड़े ढोके, नमक का इतना बड़ा ढोका और चीनी के इतने बड़े ढोके को मिलाए, तो उसको मिलाने में आसान होता होगा कि हमारा ये क्या नाम है, एकदम नमक एकदम पीस ले और चीनी को भी पीस ले, तब मिलाए, तब मिलाने में आसान होगा। जाहिर सी बात है भैया, जब हमारे पार्टिकल का साइज दोनों का छोटा छोटा एकदम हो जाएगा तब, मतलब पार्टिकल साइज जितना ज्यादा छोटा होगा हमारी मिक्सिंग उतनी ज्यादा अच्छी होगी। आप खुद इस चीज को रियल लाइफ में खुद अप्लाई करके आप सोच सकते हो, इस सब चीजों को काफी आसान है, रटने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ चीजों को सोचो अपने आप, खुद हर चीजें आपको खुद अपने हिसाब समझ आ जाएंगे। फोर देखते हैं पार्टिकल चार्ज,
मतलब जिस दो चीजों को मिला रहे हैं उनका पे चार्ज कैसा है। अगर मान लो एक जिस दो चीजों को ए है और एक कोई चीज बी है, ए वाले पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे वाले पे नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दूसरे वाले खड़ा से मिल जाएगी ना, तो मिक्सिंग नहीं होगी अच्छी। चलो मान लेते ए पे पॉजिटिव चार्ज है, बी पे भी पॉजिटिव चार्ज है हमारे, यहाँ हमारे ए में भी पॉजिटिव चार्ज है, बी पॉजिटिव, दोनों प्लस प्लस वाले हैं, दोनों दूसरे से दूर भागेंगे, दूर भागेंगे तो फिर से मिक्सिंग नहीं होगी। चलो मान लो दोनों पे नेगेटिव चार्ज ही है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है तो सेम चार्ज है दोनों पे, फिर दोनों दूसरे से दूर भागेंगे, रिपल्सन होगा दोनों के बीच में। तो होना क्या चाहिए, हम जब आप मिक्सिंग करें तो इस बात का ध्यान रखनी है कि जो हमारे पार्टिकल है उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, मतलब वो न्यूट्रल चार्ज के होने चाहिए। ठीक है, दोनों पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, जब न्यूट्रल चार्ज के होंगे दोनों में मिक्सिंग करना उतना ही ज्यादा हमारा आसान होता है। ठीक है, फिफ्थ आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब आपने लिया कितना है। अब मान लो 50 किलो चीनी ले लो, 50 किलो नमक ले लो और दोनों को मिलाओ, तब ज्यादा दिक्कत होगी मिलाने में कि आप 1 किलो चीनी लो और 1 किलो नमक लो, उन दोनों को मिलाओ तब मिलाने में आसानी होगी। जाहिर सी बात है जितना ज्यादा कम लेंगे हमारी मिक्सिंग उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। तो वही चीज है कि वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा, वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा हमारी मिक्सिंग उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी, वॉल्यूम जितना ज्यादा कम होगा हमारी जो मिक्सिंग हुई उतनी ज्यादा अच्छी होगी। तो ये सब फैक्टर है जिसको आप खुद सोच सकते हो कि हाँ ये सही बात है कि झूठे हम बक रहे हैं। अब खुद इसको रियल लाइफ में जोड़ के आप इस चीजों को फील कर सकते हो। मिक्सिंग काफी आसान टॉपिक है, आपको मैं ये सब चीजों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में जाए तो आपको ये सब चीजों को पता होना चाहिए कि हाँ भैया मिक्सिंग किस किन चीजों पर डिपेंड करती है। कब दो चीजें पता चला कि इन दो चीजों को कह दिया कि उसमें वो रखा है, उस बोरे में वो रखा है, दोनों को निकाल कर मिक्स कर दो। मिक्स करने पता चल गया आप इसे उठा के उसको भी इसे उठा के मिक्स कर दिया। अरे पहले देखो कि दोनों का सेप समान है कि नहीं है, नहीं है तो पहले बनाओ, उसे तोड़ो, एक समान करो, सब करना पड़ता है। ठीक है, तो तमाम तरह के दिक्कत होंगी। जब देखेगा कि अरे दोनों का सेप है नहीं सही है और मिला रहा है, समझ जाएगा कि कुछ नहीं पढ़ा है, खाली डिग्री से पाया हुआ है। ठीक है, आपको तो मार के कंपनी से बाहर निकल देगा। तो तमाम तरह की दिक्कतें पैदा होती हैं। आप कोई चीज को रट्टा मत मारिए, हर चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। हर चीज जितना ज्यादा सीखोगे इसका विकास जो होता है उतना ज्यादा अच्छा होगा और आप अंदर से उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। नहीं रट्टा मारोगे तब कुछ समझ नहीं आएगा क्या पूछ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, जितना ज्यादा कोशिश करो, जितनी ज्यादा सीख सकते हो सीखने की कोशिश करो। सीखना जो जीते, जो सीखेगा वही तो जीतेगा, बोलते तो है लोग, जो सीखता है वही जीतता है। तो सीखने की कोशिश करो, रट्टा तो सब मार रही, पूरी दुनिया मार रही है रट्टा, रट्टा मारने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।